नाभी एप्लीकेशन में कैसे आप जो है डिजिटल गोल्ड को बाय करके कैसे आप सेल कर सकते हो। जो है मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि कैसे आप जो है डिजिटल गोल्ड को बाय करोगे, कैसे आप डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टिंग करोगे, कैसे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे नाभी एप्लीकेशन के थ्रू। मैंने उसमें हर एक चीज को बताया हुआ था जिससे हमारा वीडियो वायरल गया था और बहुत लोगों की यहाँ पर हेल्प हुई थी। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपको यहाँ पर नाभी एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। नाभी एप्लीकेशन में ही हम जो है डिजिटल गोल्ड को बाई करेंगे और सेल करेंगे। तो यहाँ पर सबसे नीचे आप चले आइएगा, जैसे कि आप ओपन करेंगे इस प्रकार से, तो आपको यहाँ पर सबसे नीचे चले आना है। आने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सप्लोर नाभी के अंदर यहाँ पर डिजिटल गोल्ड, सिंपली हमें इसी में है जो है इन्वेस्टमेंट करना है। तो इसमें आप 1 रुपये का गोल्ड बाई करके भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और 100 रुपये, 200 रुपये, 1000, 10000 तक का भी इन्वेस्टमेंट आप यहां पर कर सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में आपको यहां पर लाइव प्रूफ बताऊंगा और यहां पर जो है मैं बाई करके भी दिखाऊंगा कि कैसे आप जो है गोल्ड में जो है इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर डिजिटल गोल्ड पर क्लिक करेंगे, इस प्रकार का पेज आपके सामने यहाँ पर खुलकर आ जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर जो है आपकी करंट वैल्यू दिखाई दे रही है, यानी कि हमने जो है यहाँ पर 1.18 रुपये यहाँ पर जो है करंट वैल्यू है अभी इस 3 ग्राम 0.3 mg सोने की, जो कि हमने यहाँ पर इन्वेस्ट किया था 2.50 रुपये, यानी 2.5 रुपये हमने इन्वेस्ट किया था। तो इसकी कीमत यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस समय 2.18 रुपये, क्योंकि यहाँ पर जो है 12-12.80% यहाँ पर इस गोल्ड में गिरावट आई है। तो अगर आप यहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, एक बार आपको करना है, जैसे कि आपको एक ही बार में करना है, जैसे कि मैं यहां पर आप लोगों को लाइव प्रूफ दिखा रहा हूं कि 1 रुपये का गोल्ड इन्वेस्टमेंट आप कैसे कर सकते हैं। तो सिंपली आपको यहां पर 1 रुपये यहां पर डाल देना है। तो उसके बाद यहां पर जो है ऑप्शन आ जाता है आपके सामने यहां पर प्रोसीड टू बाई का, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहां पर क्लिक कर देंगे, जैसे कि आपके सामने यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर गोल्ड बाइंग प्राइस आ जाती है जो कि 99.9% प्योर गोल्ड रहेगा। और यहाँ पर जो है अमाउंट आपका, जैसे कि वैल्यू ऑफ गोल्ड का 1.45 रुपये यहाँ पर होगा, क्योंकि यहाँ पर 1.45 रुपये का आपका जो है गोल्ड मिल रहा है और 3% की आपकी यहाँ पर GST जो है कट रही है। तो आपको टोटल अमाउंट देना है 1.49 रुपये। तो सिंपली हम यहाँ पर 1.49 रुपये पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है पे नाउ का, सिंपली हम यहां पर पे नाउ पर क्लिक करेंगे। जैसे हम यहां पर क्लिक कर देंगे, अब आपके सामने यहां पर एक ऑप्शन आता है नीचे यहां पर पैन कार्ड लिंक करने का। जैसे कि अगर आपके सामने अगर यहां पर कोई बैंक हो आपके, तो यहां पर बैंक आप ऐड कर सकते हैं, अन्यथा आप यहां पर ऐड बैंक पर क्लिक करके आप बैंक को दूसरी बैंक को भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं अदर पेमेंट मेथड यहाँ पर जो है अप्लाई कर रहा हूँ, या जो है इसी बैंक पर क्लिक करके, जैसे कि हमारी जो बैंक हो हम उसको यहाँ पर कर दे रहे हैं, तो हम यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पर क्लिक कर दे रहे हैं। हमारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की यहाँ पर जो है अभी लिंक हो चुकी है। अगर हमें दूसरा भी बैंक अकाउंट को लिंक करना है, तो सिंपली हम यहाँ पर ऐड बैंक अकाउंट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर जो भी बैंक हमारे सामने होगी, जैसे कि हमारी जो भी बैंक होगी, हम यहाँ पर उसको भी लिंक कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमारी जो है जितनी भी बैंक्स हैं यहाँ पर लिंक कर ले रहे हैं। जैसे कि बाई चांस हमें यहाँ पर फेडरल बैंक से जो है पेमेंट को काटना है, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है पे, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा जो है 1.5 रुपये 1.50 रुपये का, उसके बाद हम यहाँ पर पिन डाल देंगे। इस प्रकार से यहाँ पर जो है गोल्ड प्रोसेसिंग लेगा और हमने UPI पिन को सेट कर दिया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो है अभी पेमेंट यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो है परचेज सक्सेसफुल हो गया है और यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा आपको एक्सपीरियंस, यहाँ पर फीडबैक वगैरह दर्ज कर देना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो है करंट, हमने जो जितने भी रुपए इन्वेस्ट किया है, यहाँ पर 3.96 रुपये हमने जो है गोल्ड में इन्वेस्ट किया है और 0.5 mg यानी कि जो है मिलीग्राम हमने गोल्ड को यहाँ पर बाई किया हुआ है। हमारे जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगे यहाँ पर शो होते हैं, जैसे कि हमने कितना बाई किया है, कितना सेल किया है, कितना हमारे फेल्ड हुए हैं, वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन यहाँ पर शो होंगे। अब मैं यहाँ पर जो है बैक आ जाता हूँ। अब बैक आने के बाद अब आप देख सकते हैं कि आपका जो है अभी जो आपने गोल्ड में बाई किया था
वो आपका इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल हो गया है, रुपए का जो है सोना आपने बाय किया था, सिंपली इसी पर क्लिक करेंगे। अब आप इसकी अगर इनवाइस को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड इनवाइस पर क्लिक करके आप इसकी इनवाइस को भी डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ पर डाउनलोडिंग होने के बाद यहाँ पर ये आपके सामने खुलकर आ जाएगी, आप इसके इनवाइस को जो है देख सकते हैं। अब यहाँ पर अगला ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर बेचने का। बहुत सारे यूजर्स हमें कमेंट कर रहे थे कि यहाँ पर जो है गोल्ड को कैसे हम सेल करते हैं, तो गोल्ड को सेल करने के पहले आप एक चीज़ यहाँ पर जो है ध्यान में रखिएगा कि सबसे पहले अगर आप यहाँ पर जो है इसमें करते हैं यानी कि डिजिटल गोल्ड में अगर आप जो है ट्रांजेक्शन वगैरह या परचेजिंग या सेलिंग करते हैं तो उसके पहले आपको जो है अपनी KYC को नाभि एप्लीकेशन के अंतर्गत कर लेनी है। जब आप नाभि एप्लीकेशन के अंतर्गत कर लेंगे तो आपके जिस भी बैंक अकाउंट से यहाँ पर KYC जो रहेगी उस बैंक अकाउंट से जो भी आपका पेमेंट कटेगा तो उसी में ही आपका पैसा यहाँ पर रिटर्न आएगा, यानी कि जो सेल करने के बाद आपका उसी में पैसा आएगा। बाई चांस आपने KYC वगैरह नहीं किया है तो यहाँ पर जो प्रोफाइल के अकॉर्डिंग जो रहेगा उसी के नाम और उसी से एक चेकबुक इसी हो जाएगा, वो 2 रुपये का भी हो सकता है, 10 रुपये का भी जो है हो सकता है। ये आप याद रखिएगा, जैसे 2 रुपये का चेक भी कट के आ सकता है वहाँ से नाभि एप्लीकेशन की तरफ से, और यहाँ पर 10 रुपये का भी आ सकता है, 100 रुपये का भी आ सकता है, जितना आपके जो है आप इन्वेस्ट किए रहेंगे वो सारा का सारा जो है आपका आ सकता है। तो अगले वीडियो में मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा कि कैसे आप जो है डिजिटल गोल्ड को आप कैसे सेल कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पर सीखा होगा कि कैसे हम जो है गोल्ड नाभि एप्लीकेशन में गोल्ड में कैसे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, मैंने आपको लाइव प्रूफ भी पेमेंट करके भी दिखा दिया है। अब आपको यहाँ पर मैं बताऊंगा कि कैसे अगर आपको SIP करनी हो, जैसे आप मंथली 100 रुपये की अगर SIP करनी हो तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सेटअप से SIP, सिंपली हम इसी पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर 3% ये GST काटता है। जैसे कि मुझे डेली 10 रुपये का करना है तो हम यहां पर 10 रुपये को सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं अगर आप पर डे 10 रुपये का करते हैं और 3 साल के लिए करते हैं तो आपका अमाउंट जो होगा 12,771 रुपये हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर 20 रुपये पर डे यहाँ पर जो है करते हैं तो अगर आप 3 साल यहाँ पर इन्वेस्टिंग करेंगे तो आपका अमाउंट जो होगा 25,543 रुपये हो जाएगा 3 साल में। अगर आप यहाँ पर यही चीज़ को 50 रुपये कर देते हैं तो 3 साल में आपका जो है अमाउंट जो होगा वो 63,857 रुपये हो जाएगा। अगर यहीं आप पर डे का 100 रुपये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 3 साल में आपका 1,27,713 रुपये आपका जो है गोल्ड में इन्वेस्टमेंट होगा। तो इस प्रकार से आप यहां पर जो है आप छोटे छोटे अमाउंट्स को जो है इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक समय में आप इसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो यहाँ पर आपने जैसे कि बाई चांस हम यहाँ पर 10 रुपये डाल देते हैं, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है स्टार्ट सेविंग, सिंपली हमें इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर जो है यहाँ पर सेट करेंगे स्टार्ट SIP का, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हम यहाँ पर 10 रुपये 30 पैसे का काट देंगे क्योंकि यहाँ पर 3% की GST कटेगी, तो यहाँ पर 10 रुपये का 3% होगा 30 पैसा, तो यहाँ पर 30 पैसा एक्स्ट्रा आ जाएगा। और यहाँ पर फिर उसके बाद से ये ऑटोमेटिक नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट 3 जून को ही होगी, हर एक 3 जून को यहाँ पर दिखाई भी देता है कि 3 जून को हर एक 3 तारीख को यहाँ पर पेमेंट कटेगी। तो यहाँ पर अगर आप मंथली करते हैं या पर डे करते हैं तो यहाँ पर जो है अगली इंस्टॉलमेंट यहाँ पर दिखाई देती है। जैसे कि हमारा पर डे का है तो अभी यहाँ पर तारीख है 2 जून और यहाँ पर अगले दिन 3 जून को कटेगी, फिर अगले दिन 4 जून को कटेगी, फिर अगले दिन 5 जून को कटेगी, इसी प्रकार यहाँ पर ये इंस्टॉलमेंट कटती चली जाएगी। तो यहाँ से आप SIP को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर आपको स्टार्ट विथ SIP पर क्लिक करना है और इसको पेमेंट कर देना है, उसके बाद ये ऑटोमेटिक वहाँ से ऑटो पे होता चला जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर जो है SIP कर सकते हैं। अगर आपको मंथली SIP करनी है तो सिंपली यहाँ पर डेली के बजाय यहाँ पर मंथली को आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो मंथली में आपको 100 रुपये मिनिमम यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट करना होता है, और यहाँ पर जैसे कि आप कितने मंथ के लिए करना चाहते हैं जैसे कि यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको कब कब पैसा देना है ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर दिखा सकते हैं, कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है इसमें जो है नाभि एप्लीकेशन में डिजिटल गोल्ड में SIP की जाती है। आपके मन में अगर कहीं भी कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट करके भी
पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।